सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। हिंदुस्तान की आज़ादी को 75 साल बीत चुके हैं, जिसको लेके पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के अलग अलग इलाकों में तिरंगा घर घर लगाने की जो है वो तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में हम पहुंचे वन इस्लाम स्कूल में पहुंचे, वहाँ पर देखे तैयारी, तिरंगा बनाने की तैयारी जो है वहाँ पर शुरू है और जो महिलाएं हैं वहाँ पर तिरंगा झंडा जो है वो सीरी है। आने वाले वक्त के अंदर उनको टास्क मिला है कहीं ना कहीं 15,000 झंडे बनाने का और अब तक का 5,000 झंडे जो है वो बनके तैयार हो चुके हैं। लेकिन वहाँ की महिलाओं से जब हमने बात करी तो उनको कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर थी कि कहीं ना कहीं उनको रोज़गार भी मिला और तिरंगा बनाने से उनके दिल में ये जज्बा जागा कि हम हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं और हिंदुस्तान आज़ादी के बाद हमारा भी कोई ना कुछ योगदान ज़रूर है। हाँ, अंजुमन इस्लाम सैफ सैयद जी गर्ल्स हाई स्कूल में जो सुई धागा का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, मैं उसमें उसी का एक हिस्सा हूँ और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट डॉक्टर जहीर और प्रिंसिपल शमा तारापुर वाला मिस की। यहाँ पर आज़ादी का 75 साल पूरा होने पर हर घर तिरंगा का एक पहुँचाने की कोशिश में लगे हैं और उसी का हम तिरंगा सिल रहे हैं यहाँ पर, और हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पर शामिल है जो इसका हिस्सा है। हुए कुछ ही दिन हुए हैं और हमें सिलाई बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन हमें इस देश के लिए कुछ करना था इसलिए हम यहाँ पर सिलाई सीख के इसका हिस्सा बने तिरंगा सिलने के लिए। स्कूल की वजह से आज हम इसमें इस जगह तक पहुँचे हैं कि आज हम हाउस वाइफ से वर्किंग वूमेन हो गए हैं सुमन मैम का, कि उन्होंने हमें सिखाया और आज हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। मोदी जी का भी शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने ये हर घर तिरंगा और लहराने का जो प्रोजेक्ट किया है और वो हमें मिला है और इसे हम पूरा करेंगे पूरे दिल से और शिद्दत से करेंगे ताकि हर घर तिरंगा पहुँचे और हमारे जो वतन का जो झंडा है हर घर पहुँच कर हमें एहसास इस चीज़ का दिलाए कि हम इस देश के वासी हैं और हमें इससे बहुत मोहब्बत है, लगाव है। असला और कैसे समा तारापुर वाले हम लोग को इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ा, टेलरिंग के बारे में, और मैं इनका इतना शुक्र गुजार हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती इस चीज़ के बारे में। तो मुझे जीरो पॉइंट है, मुझे तो इसके बारे में मालूम ही नहीं। और जैसे कि सुमन मैम, इन्होंने इतना हम लोग को सिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम लोग को तिरंगा बनाने भी आ गया, इसके लिए ना मैं मोदी सर को भी बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम अभी मना रहे हैं लेकिन प्रोजेक्ट हमारा पहले से चल रहा है और हमने ये सोचा लॉकडाउन में जब हमको समझ में आया कि हमारे पेरेंट्स वही है जो बहुत नीडी है और उनको कहीं ना कहीं कुछ काम की ज़रूरत है, तो हमने सोचा कि अपने ही कैंपस में हम इनको सिलाई सिखा कर और सिलाई का प्रोजेक्ट हम इनसे करवा कर इनको कुछ लर्निंग एंड अर्निंग वाला मेथड दें हम, ताकि ये कुछ कर सके आगे। तो जब हमने ये पीटीए मीटिंग्स ली तो पेरेंट्स बहुत खुश हुए। प्रेसिडेंट सर ने हमको एक टारगेट टास्क दिया कि आपका जो स्कूल ख़त्म होने के बाद जो क्लासेस खाली है तो उसमें आप क्या करोगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमको ऐसा है कि हमको नया कुछ ना कुछ सिखाना है, स्किल लोगों तक पहुँचाना है, सिखाना है उनको। तो सर ने हमको ये टास्क दिया तो हमने तभी ये सोचा कि हम ये काम करते हैं सिलाई का, ताकि अपने पेरेंट्स जो है जो नीडी है वो सीख भी सके और काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसमें मशीनें उनको फ्री में दी जाती है ताकि लोगों को वो मशीनें भी मिल सके। और इसका और एक ये है कि अगर उनको कुछ अपना बिजनेस करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट उनको पैसा भी देती है। तो हमारी शुरुआत सिर्फ इनको सिखाना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट खुद करेगी। महोत्सव का प्रोग्राम है ये, जगह जगह पर हर घर तिरंगा स्लोगन से हम चल रहे हैं और हर घर तिरंगा में सबकी जगह पर ये तिरंगा बन रहा है और फ्री में गवर्नमेंट और बीएमसी उनको देने वाली है। तो हमने इस प्रोजेक्ट को लिया, एक फ्लैग सीने पर कुछ अमाउंट है जो इनको मिलेगा तो इनकी इनकम भी हो जाएगी और ये खुशी खुशी आकर सीख भी रहे हैं। और एक बाकायदा हमने एक सिलाई टीचर रखी है जो इनको